दोस्तों, मैं मोहम्मद ईशान स्वागत करता हूं आपका NGP न्यूज़ में। आज हमारे साथ एक अजीम शख्सियत जनाब टेकचंद सावरकर जी हैं, जो कि कामटी मोहदा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं टेकचंद सावरकर का कब से BJP में जुड़ाव रहा है, वो किस किस पोजिशन पर रहे हैं अब तक, चलिए जानते। तो सर, स्वागत है आपका NGP न्यूज़ में। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि BJP से, भारतीय जनता पार्टी से आपका कब से जुड़ाव रहा है? मैं 88 से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। पहली बार मैं 92 में पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और पहली बार अकेला ही मऊदा तालुका में भारतीय जनता पार्टी का BJP का कमल चिन्ह पे चुन के आया। 92 में पंचायत समिति का उपसभापति बना और एक साल मैं पंचायत समिति मऊदा का सभापति रहा हूँ। उसके बाद में 97 में जिला परिषद का इलेक्शन हुआ। चिरवा धानला जिला परिषद क्षेत्र से मैं भारी बहुमतों से, यानी विदर्भ में सबसे ज़्यादा मतों से मैं चुन के आया जी। वो बहुमान मेरे को मिला। उसके बाद में और 2007 में इलेक्शन लड़ा मैं जिला परिषद का जी। 2007 से 2012 तक जिला परिषद मेंबर रहा जी। उसके बाद में मैं और मेरी मिसेज दोनों को 2012 में जिला परिषद की टिकट मिली जी। मैं चुनाव हार गया जी। मेरी मिसेज चुन के आ गई और मेरे मिसेज को 2014 से 2019 तक वो जिला परिषद की अध्यक्ष रही और मैं भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 15 साल युवा मोर्चे का कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नागपुर जिला युवा मोर्चे का दो बार मैं अध्यक्ष रहा हूँ ग्रामीण का। ऐसी मेरी पक्ष में भी, यानी संगठना में भी कार्यकर्ता करके काम कर रहा हूँ। अभी मैं भारतीय जनता पक्ष का जिला का उपाध्यक्ष हूँ। कामगार क्षेत्र में भी मैंने बहुत से काम किया है। असंगठित क्षेत्र में गडकरी साहब ये हमारे अध्यक्ष रहते थे और कार्याध्यक्ष करके मैं रहता था। ऐसा कर करके इस विदर्भ में हमने कामगारों का जो असंगठित क्षेत्र है उसमें हमने काम किए हैं। महाराष्ट्र भारतीय जनता कामगार महासंघ का मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। टेकचंद जी, सर आपका योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं वैसा 12वीं पास हूँ और 12वीं के बाद में मैं थोड़ा बिजनेस में आया और बिजनेस में आने के बाद में डायरेक्ट मैं राजनीति में आया हूँ, इसलिए मेरा वहाँ तक की ये है शिक्षण। जिस तरह से आपको टिकट दिया गया है, तो आपने पहले से भारतीय जनता पार्टी से ये टिकट चाहा था या फिर किस तरह से आपको टिकट मिला, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने रात दिन चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब के टिकट के लिए और इस विधानसभा से हमारे विधायक चुन के आने के लिए बावनकुड़े साहब के लिए काम किया हूँ जी। अचानक मेरे को 4 तारीख को फार्म भरने का आखिरी का दिन था जी। 12 बजे मेरे को बावनकुड़े साहब से, गडकरी साहब से और अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के तरफ से फ़ोन आया कि आपको फार्म भरना है। मैं थोड़ा घबरा गया कि मैंने टिकट नहीं मंगा, किसी को कुछ अर्जा नहीं किया और मेरे को टिकट का ऐसा फार्म भरने लगा रहे जी। मैंने फार्म भरने के लिए मना कर दिया, मगर बावनकुड़े साहब ने बोला कि आप सिर्फ जाके फॉर्म भर दो, बाद में अपन देखेंगे। तो मैंने 4 तारीख को 5 मिनट पहले कैसा वैसा फॉर्म भर के वहाँ तक हमने पहुँचा दिया और उसके बाद में बी फॉर्म मेरे नाम से जोड़ा गया और मेरे को वहाँ बावनकुड़े साहब के आशीर्वाद से टिकट मिली है। सर, जिस तरह से बावनकुड़े साहब को टिकट नहीं दिया गया तो उनके समर्थक कुछ नाराज लगे, तो क्या वो इलेक्शन में आपके प्रचार में पूरी तरह से आपका सहयोग है, आपका सहयोग रहा है क्या उनका? मैं पहली बार तो ये बोलूँगा कि सबसे बड़ा समर्थक मैं था। मैं खुद नाराज था, टिकट मिलने के बाद में भी मैं प्रचार में नहीं लगा। मैंने जब तक मेरे साहब, अपने बावनकुड़े साहब
बाहर निकलते नहीं तब तक मैं कोई भी इलेक्शन का प्रचार नहीं करूँगा। और जिस दिन बावनकुड़े साहब प्रचार को निकले उस दिन मैं प्रचार के लिए निकला, और जो बीच में हमारे कार्यकर्ताओं में जो नाराज़गी थी वो स्वाभाविक थी, मगर उसके बाद में जो पार्टी ने डिसीजन लिया ऊपर के लेवल से और बावनकुड़े साहब को बड़ा पद मिलने वाला है ऐसा गडकरी साहब ने कहा, मैं यही चाहता हूँ कि बावनकुड़े साहब की अस्मिता ये मतदार संघ में लगी है। बावनकुड़े साहब के जो विकास के कार्य है, जनता के साथ में जो हार्ट टू हार्ट उनका संबंध है, 1.5 लाख परिवारों से बावनकुड़े साहब का संबंध है, मैं ये तो कहूँगा कि कार्यकर्ता जो भी नाराज थे वो सभी काम में लग गए, उसके बाद में भी जो ज़्यादा के कार्यकर्ता है उत्स्फूर्त उनका सहयोग मेरे को मिल रहा है। मैं अभी जहाँ जहाँ रैली कर रहा हूँ वह हजारों सैकड़ों लोगों के साथ में वो रैली में और मीटिंग हो रही उसमें बहुत बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है। यहाँ मऊदा में एक गडकर साहब की सभा हो गई, हुड़केश्वर में एक गडकर साहब की सभा हो गई, वहाँ 10,000 दोनों जगह 10,000 पब्लिक थी। उसका अर्थ ही वैसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र का नेतृत्व है, राज्य का नेतृत्व है, और हमारे लाडले नेता चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब ने जो यहाँ काम किया है, लोगों को दिलों को जीता है, उसका परिणाम ही है कि आज लोगों का मेरे को समर्थन बहुमतों से मिल रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है कि बावनकुड़े साहब के सारे समर्थक आपके साथ है। टेकचंद जी, जैसे देखा जाए कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है श्री सुरेश राव भोयर जी, जो कि स्थानीय कैंडिडेट कांग्रेस ने इस बार चुना है, तो क्या लगता है आपको किस तरह से उनको किस तरह से आप उनको हरा पाएंगे? सबसे बड़ी बात है कांग्रेस का नेतृत्व के नेतृत्वहीन है। पूरे देश में अभी परिस्थिति ऐसी चल रही कि कांग्रेस का जितना जो भी था वो सब खत्म होने के लाइन में चला गया है। इसलिए सुरेश भोयर जी को जो टिकट मिली है, सबसे बड़ी बात है उन्होंने बीजेपी से जिला परिषद मेंबर बने पहली बार, और उन्होंने बीजेपी से बेईमानी करके कांग्रेस से हाथ मिला के अध्यक्ष बने थे, और जिस दिन अध्यक्ष बने थे वो दिन मेरे को याद है। मैं खुद जिला परिषद मेंबर बीजेपी का था, उस कार्यकाल में कांग्रेस की सत्ता थी। मैं उनको प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने यदि कुछ काम किया होगा तो वो जनता के सामने लाए और वो काम के बारे में जनता को बताए। कांग्रेस के कार्यकर्ता के पीछे काम की नाकामी है, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है और काम करने की लगन नहीं है। इसलिए मैं तो ये बोलता हूँ कि आज जो इस देश में मोदी साहब है, इस राज्य में देवेंद्र फडणवीस साहब है, और इस जिले में बावनकुड़े साहब है, इनके कर्तृत्व से जो जनता के उपयोगी काम हो रहे हैं वो इतने काम हो रहे हैं कि जनता को जो भी लगता है उससे कई पर अच्छे काम इस विधानसभा क्षेत्र में होने के वजह से, मैं तो कांग्रेस का कैंडिडेट होने के वजह से मैं कोई खूब कॉम्पिटिटिव रहेगा ऐसा मैं नहीं समझता। सर, विपक्ष का कहना है, जैसे मैंने और भी कांग्रेसी नेताओं का कुछ इंटरव्यूज़ किया है, उनका कहना है कि जैसे पिछले पंद्रह सालों में बावनकुड़े साहब द्वारा कुछ भी विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं किया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है, कांग्रेस वाले को थोड़ा सा दिखने में फ़र्क आ गया है। आप जनता से पूछिए, बीजेपी वाले से मत पूछिए। कांग्रेस वाले को तो कभी काम तो खुद किया नहीं है। आज गाँव में जा रहा हूँ, मैं घर घर में जा रहा हूँ, बेसा में जा रहा हूँ, बेलतर रोडी में जा रहा हूँ, हुड़केश्वर में जा रहा हूँ, इतना पेरी अर्बन एरिया है, वह पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, इनके हाथ में कांग्रेस वाले की सत्ता रहती तो कदाचित 50 साल में भी इतना काम होता नहीं जो आज 5 साल के अंदर में बावनकुड़े साहब ने किया है। काश्तकारों के लिए किया है, मऊदा के काश्तकारों के लिए जो पेच प्रकल्प का पानी है उसके लिए करीब करीब 3,300 करोड़ रुपए का काम सरकार से लाके उनका जो पुनर्वसन है, जो कांग्रेस के राज में एमपी में भी कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम चौराई धरन का वो प्रकल्प बांधने के लिए एग्रीमेंट हुआ था, मगर उसका पर्याय सरकार ने कुछ निकाला नहीं। आखिर में जब पानी बंद हो गया इधर से ऊपर से नीचे आना, जब मऊदा और नागपुर जिले के और भंडारा जिले के काश्तकारों को अड़चन में आ गए, तब हमको मालूमात हो गई और हमारे सरकार ने पूरी उपाय योजना करके
दो साल के अंदर में पूरा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हमारे सभी काश्तकारों को 12 ही महीना पानी मिलने का आश्वासन सरकार ने दिया है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं, मैं घंटा भर यहाँ बताऊंगा तो भी कम है, इतने विकास काम इस मऊदा और कामठी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। इसलिए हमको विकास के बारे में कोई डर नहीं है, जनता हमारे साथ में। तो क्या लगता है आपको बावन कुड़े साहब द्वारा किए गए विकास कार्यों का लाभ आपको मिलेगा क्या? 100% बावन कुड़े साहब का जो विकास काम है, पर्सनली जो काम है, हार्ट टू हार्ट जो संबंध है, ये सभी बातों का जो इलेक्शन में परिणाम मेरे को दिख रहा है। 4 दिन के अंदर में गांव गांव में कार्यकर्ता के दिमाग में पूरा पार्टी का यानी ताकत घुस गई और सब कार्यकर्ता जोरों से अपने अपने जगह काम में लगे हैं। सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से एससी समाज की नेता सुलेखा कुंभारे 52 कुड़े के समर्थन में शुरू से रही है, तो क्या इस बार आपके साथ आपके समर्थन में खड़ी है क्या? माननीय सुलेखा ताई कुंभारे जी, मेरे भी अच्छे रिलेशन उनसे है और उन्होंने गडकरी साहब को युति का शब्द दिया है और वो भी रात दिन मेहनत करके मेरे चुनाव में, और 52 कुड़े साहब ये दोनों ऐसे ताकत से भिड़े हैं कि जैसा इलेक्शन वही लड़ रहे हैं, वो हिसाब से तन मन और धन हर बात से वो ताकत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुलेखा ताई का हमारे को पाठिंबा है, और पाठिंबा नहीं तो रात दिन वो भी और उनके जितने भी कार्यकर्ता है हर गांव गांव में और कामठी शहर में जोरों से अपने कार्यालय खोल के कार्यकर्ता को जागरूक करके काम में लगे हैं, तो इसलिए ज़रूर उनका हमको पाठिंबा है और हमको समर्थन मिल रहा है। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे करना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बताया कि सारे 52 कुड़े साहब के समर्थक आपके साथ है, सुलेखा कुंभारे जी आपके साथ है, यदि जनता का प्यार भी आपको मिलता है तो आने वाले समय के लिए आप क्या विकास कार्य लेकर जनता के सामने खड़े हो? मैं तो अभी एक ही लाइन में एक बात कहूँगा कि यदि मैं चुन के आया तो ज़रूर मैं जो सपना चंद्रशेखर 52 कुड़े साहब ने इस मतदार संघ को, ये महाराष्ट्र के 288 मतदार संघ में सबसे अच्छा, सबसे निर्मल, सबसे स्वच्छ ये मतदार संघ बनाने का जो सपना उन्होंने पाया है, वो सपना पूरा करने का सबसे बड़ा मेरा ध्येय रहेगा। और जो भी लोगों की समस्या मेरे साथ में रहेगी, वो समस्या छुड़ाने का काम मैं कार्यकर्ता के रूप में करूँगा, ये मेरा पक्का आश्वासन इस मतदार संघ के जनता को है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे टेकचंद सावरकर जी, जो कि कामठी मऊदा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने थोड़ा सा समय हमें दिया, काफ़ी समय से हम आपके इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, फाइनली आज आपका समय हमें मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मैं सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, नाग न्यूज को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। एनजीपी न्यूज़ के माध्यम से आप कामठी शहर के, कामठी मऊदा क्षेत्र के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहूँगे? मैं सबको अपील करूँगा कि चंद्रशेखर 52 कुड़े साहब के सपना पूरा करने के लिए आप मुझे मत दीजिए, और मैं यदि चुन के आता हूँ तो ज़रूर आपका जो भी विकास का सपना है वो पूरा करूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। मैं सभी मतदार भाई बहनों और युवा साथियों को अपील करता हूँ कि 21 तारीख का जो मतदान है उस मतदान में भाग लीजिए, और कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ और सभी युति के घटक दलों का उम्मीदवार हूँ, मेरे को चुन के लाइए, धन्यवाद, सभी का नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिए एनजीपी न्यूज़ से, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और भी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ngpnews.in विजिट करिए। शुक्रिया, थैंक यू।